गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने 10th क्लास का जो अध्याय नंबर 5 चल रहा था उसी के आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 5, दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके दैनिक जीवन में रसायन के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जिनके बारे में चर्चा कर रहे थे अपन, कि कंपाउंड कौन कौन से हैं जो अपने लिए उपयोगी है। उसके अंदर रासायनिक यौगिकों के अंदर अपन ने कल एक यौगिक कर लिया था, सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ लिया था। इससे पहले अपन सार लवण पूरा पढ़ चुके हैं ना। सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, NaCl अपने कंप्लीट हो चुका था। अब नंबर 2 अपन पढ़ेंगे इसी के संदर्भ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बात, सोडियम क्लोराइड तो कंप्लीट हो गया था। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है, इसका उपयोग क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस बनाने में, विरंजक चूर्ण है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, ये सारी डिटेल से बातें कर चुके हैं अपन, है ना, इसी चैप्टर में। तो आज अपन इसी के आगे पढ़ते हैं, दैनिक जीवन में उपयोगी कंपाउंड के अंदर चल रहा है अपना दैनिक जीवन में कुछ दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक इनके बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आपके 1 पढ़ लिया अपन ने। आज नंबर 2 शुरू करते हैं, जिसका नाम है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसके बारे में अपन ने पढ़ना शुरू किया था, अब कर रहे हैं। तो इसका पहले तो साधारण नाम इसे क्या कह सकते हैं अपन, इसके गुणधर्म साथ में कास्टिक सोडा, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे कास्टिक सोडा भी, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सही बात, क्या कहते हैं अपन इसे, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो पहली बात तो हो गई, इसे अपन क्या कह सकते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये बात समझ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन किसके अंदर बनाते हैं, एक अभिक्रिया के द्वारा जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड का क्या करते हैं अपन, जल विद्युत अपघटन करते हैं ना, जल की उपस्थिति में अपघटन, विद्युत की उपस्थिति में अपघटन। तो इसके अंदर NaCl के अंदर से NaOH बन जाता है, और उसके अलावा क्लोरीन गैस मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो इसको औद्योगिक स्तर पर क्वेश्चन आ जाता है इसको बनाने के लिए, किसका अपघटन, विद्युत अपघटन, सोडियम क्लोराइड का। तो औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक मतलब उद्योगों के अंदर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बहुत बड़े रूप में काम आता है। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन किसके अंदर किया जाता है, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से। सोडियम क्लोराइड जो कल पढ़ा था अपन ने, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। कि विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो आगे बात होती है कि इस तरह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के किसके अपघटन से, विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। आगे बात समझ, इसके अंदर और देखें अपन तो सोडियम क्लोराइड के अपघटन में कैसे बनता है, ये अभिक्रिया लिखता हूँ मैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको दो इलेक्ट्रोड का तो पता ही है, ये होता है आपके एनोड और दूसरा होता है कैथोड, पता ही है। तो एनोड और कैथोड, तो एनोड क्या होता है आपके धनायन, और कैथोड पर क्या होता है आपके ऋणायन।
एनोड के ऊपर तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ध्यान रख लेना हमेशा ध्यान रहे। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज। इनको क्या, ये क्या है दोनों, एक इलेक्ट्रोड है, फिजिक्स में पढ़ा होगा 9th क्लास में, इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड और कैथोड। जैसे अपन ने पढ़ा था ना परमाणु की वो कैथोड किरणों की खोज की, एनोड किरणों की खोज की, तो उसके अंदर देखा आपने 9th क्लास में है ना, ये दोनों इलेक्ट्रोड है जो क्या है इसके ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड के ऊपर। तो देखो अभिक्रिया, अभिक्रिया लिखें आप एक जिसके अंदर जैसे NaCl को अपन क्या करते हैं गर्म करते हैं, विद्युत अपघटन इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, NaCl का एक्वेटिक सॉल्यूशन लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं और उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनता है आपके, एक तो बनेगा आपके NaOH, Na और OH बन जाएगा, इसके अलावा एक तो Cl2 गैस बनेगी प्लस एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। आई बात समझ में, Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस बनेगी, NaOH बनेगा आपके एक्वेटिक, ये गैस बनेगी और ये भी आपके गैस बनेगी। अब इनको आप संतुलित करने अभी किया हो तो क्या बनेगा आपके NaCl के दो अणु, यहाँ पे भी दो H2O के दो और Cl2 संतुलित है। तो इस प्रकार से अपन इस अभिक्रिया को देख सकते हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है NaCl का अगर अपन विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या बनेगा आपके विद्युत अपघटन एनोड पर, तो कौन सी गैस हो जाएगी आपके, देखो एनोड के ऊपर तो एनोड क्या है पता है मैंने क्या चार्ज होता है एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर होता है आपके पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर जो नेगेटिव गैस है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है आपके Cl2, तो एनोड पर क्लोरीन गैस हो जाएगी, क्या क्लोरीन गैस मुक्त होगी, ठीक है Cl2। और कैथोड पर कौन सी हो जाएगी, कैथोड पर हो जाएगी आपके हाइड्रोजन गैस, सही बात समझे, ये दोनों मुक्त हो जाएगी हाइड्रोजन गैस, एनोड और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस हो जाएगी मुक्त इसके ऊपर, और जो NaOH होगा वो किसके ऊपर बनेगा आपके, ये कैथोड के ऊपर क्या बन जाएगा आपके, कैथोड के ऊपर विलयन के रूप में प्राप्त हो जाएगा आपको, कैथोड पर विलयन के रूप में प्राप्त हो जाएगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आगे बात समझते हैं, तो इस प्रकार से कैथोड एनोड पर ये मुक्त होते हैं, होते कैसे हैं, मतलब जैसे अपन ने एक बीकर लिया उसके अंदर ये दो ये बीकर लिया या फिर उसके अंदर क्या डाल दिया अपन ने NaCl का जलीय विलयन डाल दिया एक्वेटिक सॉल्यूशन, उसके अंदर अगर अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित की, इसको बैटरी से जोड़ दिया विद्युत धारा प्रवाहित की, ठीक है तो क्या हो जाएगा, तो NaCl है इसके अंदर से जो ये मान लो एनोड है और ये कैथोड है, तो एनोड के ऊपर इसके चारों तरफ ऐसे चिपक जाएगी आपकी कौन सी धातु मुक्त हो जाएगी, एनोड के ऊपर तो आपके क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी, ये कैथोड है इसके ऊपर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, और बाकी जो विलयन है उसके अंदर से क्या बन जाएगा आपके NaOH बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये एनोड और कैथोड पर क्या होती है धारा के द्वारा विद्युत धारा विद्युत अपघटन के द्वारा क्या बनती है आपको NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं तो बनता आपके क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की अभिक्रिया लिख लेना इंपॉर्टेंट है। आगे बात किसके द्वारा बनती है NaCl के विद्युत अपघटन के द्वारा, ठीक है ओके। तो अब अपन बात करते हैं इनके गुणों के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अब इसके गुण, ये तो बनाने की विधि हो गई और इसका साधारण नाम क्या कहते हैं, पर इसको कास्टिक सोडा, और काम क्या आता है ये आपके कास्टिक सोडा, नाम सुना है कास्टिक सोडा, साबुन बनाने में काम आता है, अभी बताऊंगा मैं आपको उपयोग, और साबुनीकरण पढ़ेंगे इसके अंदर तो वहाँ पे अपन देखेंगे, तो साबुन होता है जो कपड़े धोने का साबुन होता है ना, नहाने का साबुन होता है आपने देखा होगा, तो उनके अंदर आप मार्केट में मिल जाता है कास्टिक सोडा, किसी भी आप है ना किराने की दुकान पर जाकर पूछोगे कास्टिक सोडा तो वो आपके पैकिंग मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, ठीक है ना, और उसको अपन क्या करते हैं साबुन बनाने में काम है, साबुन की साबुनीकरण की क्रिया मैं बताऊँगा साबुन कैसे बनाया जाता है वो क्रिया अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके अभी बनाने की अभिक्रिया, अब अपन बात करें इसके गुणों के बारे में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण, सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुणों के अंदर बात करें अपन तो गुणों के अंदर है सबसे पहले कि ये क्या होता है, एक नंबर ये श्वेत मतलब सफेद रंग का होता है दानेदार, यह श्वेत श्वेत चिकना मतलब हाथ में लेने पर बात की अपन ने कि क्षार होते हैं जो क्या होते हैं चिकने होते हैं, तो ये चिकना ठोस होता है दानेदार और ठोस पदार्थ होता है, देखना आप है ना ठोस पदार्थ है। अगली बात समझ लें, श्वेत रंग का होता है सफेद रंग का दानेदार होता है ठोस होता है चिक पदार्थ है, और दूसरी बात इसका गलनांक, गलनांक की परिभाषा लिखवा चुका हूँ मैं आपको,
है ना, इसका गलनांक, इसका गलनांक कितना होता है 591 केल्विन, 591 केल्विन होता है। तो इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। अगली बात समझ में, 591 ठीक है ना, गलनांक केल्विन के अंदर मैंने बता दिया, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो पैमाना दिया हुआ है उसमें से आप क्या निकाल लो, 273 माइनस कर लो, तो आपको जो प्राप्त होगा वो सेल्सियस हो जाएगा। 273 बराबर होता है आपके 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका गलनांक होता है आपके 591 केल्विन। दूसरी बात करें इसका, और तो ये जल में क्या हो जाता है, अगर आप पानी के अंदर घोलोगे तो ये जल में शीघ्र विलय होता है, जल में शीघ्र विलय हो जाता है, जल में शीघ्र विलय, जल में शीघ्र विलय हो जाता है, जल में शीघ्र विलय हो जाता है। अगली बात समझ में, तो तीसरा हो गया, जल में शीघ्र विलय हो जाता है। और बात करें अपन तो कि शीघ्र का मतलब जल में घोलने पर घुल जाता है जल्दी से। और बात करें तो ये क्या है, प्रबल क्षार है, अपने एग्जांपल के अंदर देखा ही था, ये क्या है, प्रबल क्षार है ना, ये प्रबल क्षार है, अपने जलीय विलयन में आयनित होकर क्या करता है, प्रबल क्षार है और अपने जलीय विलयन में आयनित अपने जलीय विलयन में आयनित रूप में अपने जलीय विलयन में आयनित रूप में क्या करता है आपके, ये Na प्लस में व OH माइनस में क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है ना, OH में रहता है, Na प्लस और OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन में रहता है। अतः ये क्या है, एक अतः एक प्रबल, यह एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी है, क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य, मतलब विद्युत के द्वारा ये क्या करता है, विद्युत अपघट्य के रूप में काम में ले सकते हैं, इसको प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में काम में लेते हैं। आगे बात समझ में, तो ये इसके गुणधर्म हो गए। इसके अलावा ये इसके अंदर क्या होते हैं, कण होते हैं जो क्रिस्टल के रूप में होते हैं। नंबर 5 गुणधर्म लिखो तो मैं, इसमें क्रिस्टल होते हैं, इसमें क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या हो गए, गुणधर्म हो गए, जिसके अंदर पहला है ये श्वेत रंग का चिकना ठोस पदार्थ है, इसका गलनांक 591 केल्विन होता है, ये प्रबल क्षार है, जलीय विलयन में आयनित करने पर किस में टूट जाएगा आपके, Na प्लस में और OH माइनस में आयनित रहता है जलीय विलयन के अंदर, और प्रबल विद्युत अपघट्य भी है, और इसके कण क्या होते हैं, क्रिस्टल रूप में होते हैं, ठीक है ना। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गए, कुछ गुणधर्म हो गए जिसके बारे में अपन ने चर्चा की, ठीक है। पहले अपन ने इसके बारे में चर्चा की, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, कि इसके उपयोग क्या है, मतलब ये बनता कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सामान्य नाम क्या है, कास्टिक सोडा है ना, मिटा तो ये गुणधर्म हो गए इसके कंप्लीट। एक एक तत्व के अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे, गुणधर्म के बारे में, उनके भौतिक गुणों के बारे में, रासायनिक गुणों के बारे में है ना, उपयोग के बारे में। और इसका सामान्य नाम तो बता ही दिया मैंने आपको, कास्टिक, क्या नाम होता है इसकी, कास्टिक सोडा, सही लिख दे रहा हूँ बड़ा, ये नहीं ध्यान रखना इसका, कास्टिक सोडा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे, कास्टिक सोडा का सूत्र लिखिए, तो उस पर कास्टिक। अब इसके अपन बात करें इसके उपयोग के बारे में, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग के बारे में बात करें तो ये पहला उपयोग है, क्या काम आता है आपके, साबुन बनाने में, साबुन
बनाने में, कागज बनाने में, हाँ साबुन बनाने में, कागज बनाने में, सिल्क उद्योग मतलब कपड़े उद्योग में भी आता काम है, सिल्क उद्योग, साबुन, सिल्क उद्योग तथा अन्य अन्य रसायनों के निर्माण में, खूब सारे रसायन होते हैं उनके निर्माण में भी। और ये आपके के ये तो ही है साबुन बनाने में, सिल्क निर्माण में, अन्य रसायनों के निर्माण में के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर दो की बात करें अपन तो ये बॉक्साइड के धातुक्रम, बॉक्साइड क्या है आपके अयस्क है एल्यूमिनियम का, है ना, तो बॉक्साइड के, बॉक्साइड के धातुक्रम बॉक्साइड के धातुक्रम में उपयोग होता है। तो दूसरा हो गया इसका बॉक्साइड के धातु क्रम में उपयोग होता है। तो बॉक्साइड मतलब क्या है, Al2O3.2H2O मतलब बॉक्साइड का सूत्र ही है। तो बॉक्साइड के क्या होता है धातु क्रम है, धातु क्रम मतलब बॉक्साइड से, या एस क्या किसका आपके एल्यूमिनियम का, मतलब इसके अंदर क्या कौन सी धातु होती है आपके एल्यूमिनियम धातु होती है। तो इसके शुद्धिकरण में उपयोग करते हैं, इससे बॉक्साइड से अपन को एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। तो ये क्या है बॉक्साइड आपके एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसके अंदर क्या होती है आपके एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं, इसको अलग करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपन उपयोग करते हैं। अगली बात समझ में, तो दूसरा हो गया आपके बॉक्साइड के धातु क्रम में, मतलब बॉक्साइड से एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और है आपके उपयोग इसके पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग, पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखें अपन कि इसका उपयोग क्या होता है पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, मतलब पेट्रोलियम जो होता है कच्चे पदार्थ के रूप में अपन को प्राप्त होता है, फिर उसके अंदर से पेट्रोलियम, पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं, 9th क्लास में पढ़ा आपने, है ना, केरोसिन अलग होता है, वेस्टिन अलग होता है, कोल तार अलग होता है ना। तो इस प्रकार से ये सारे जो पदार्थ हैं उनको अलग करने के रूप में उपयोग भी किसका होता है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका भी उपयोग किया जाता है। नंबर चार, इसके उपयोग के अंदर बात करें अपन तो वसा व तेलों के अंदर, वसा व तेल, वसा व तेलों के, तेलों के निर्माण काम में लिया जाता है। इनका निर्माण करने में भी इसका काम उपयोग होता है, वसा व तेलों के निर्माण में काम में लिया जाता है। एक बात समझ, फैटी एसिड है, वसा है, तेल है, इनके बारे में फैट के अंदर उपयोग होता है। और इसके अलावा प्रयोगशाला में अभिक्रम के रूप में इसका उपयोग होता है, प्रयोगशाला के अंदर खूब सारे अभिक्रियाएं हैं जिनके अंदर इसका निर्माण किया जाता है। तो प्रयोगशाला में अपने पास पड़ा ये कास्टिक सोडा है, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिक्रमक, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड की सारी बातें अपन ने कर ली कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो आपके गुण हो गए उसके बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, इसके अलावा अपन ने उपयोग जो आपके सामने लिखे हुए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण हो गए, जिसके अंदर अपन ने बात कर ली कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुणों के बारे में। उपयोग के अंदर इसका उपयोग होता है आपके साबुन निर्माण में, कागज के निर्माण में, सिल्क उद्योग के अंदर, या अन्य रसायनों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। साबुन होता है, कागज होता है, कपड़े उद्योग उनके अंदर भी उपयोग। बॉक्साइड बता दिया मैंने, ये किसका अयस्क है आपके एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम के
शुद्ध परिशोधन में या धातुक्रम में उपयोग करते हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल इनके शुद्ध करने में उपयोग में किया जाता है। इसका पेट्रोल है, डीजल है, गैसलीन है ना, इनके बारे में, इसके बारे में इनके उपयोग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। वसा एवं तेलों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, मतलब खूब सारी अभिक्रियाएँ हैं उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो अभिक्रियाओं को सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके क्या हो गए, इसके संदर्भ में बातें हो गई। किस सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के संदर्भ में पूरी चीज बातें हो गई कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार से बनता है और क्या क्या इसके उपयोग है। ठीक है, तो बॉक्साइड के धातुक्रम पेट्रोलियम शोधन में। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन और क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसकी अभिक्रिया बता दी मैंने, एक बार वापस देख लो, अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है इसके लिए वापस। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की अभिक्रिया क्या है कि अगर अपन NaCl लेते हैं, NaCl का जलीय विलयन लेते हैं, एक्वेटिक मतलब जलीय सॉल्यूशन लेते हैं, उसके साथ में NaCl को साथ में अपन जल और उसका विद्युत अवघटन करते हैं तो क्या बनता है आपके, NaOH बनता है। NaOH मतलब ये क्या हो गया आपके, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडे का निर्माण होता है। ठीक है, प्लस इसके अलावा इसके अंदर क्या होती है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है ना, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जिससे क्या होता है ये अपने का उपयोग के लिए कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। किसके द्वारा, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा, सोडियम क्लोराइड के किसके द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो अपन समझ सकते हैं NaCl के विद्युत अपघटन के द्वारा इसका उपयोग होता है। तो आपके ये सारी चीज़ें हो गई कि किसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है। ठीक है, तो दो अपने कंपाउंड कंप्लीट हो गए, एक तो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और दूसरा हो गया अपन ने आज पढ़ लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो आज की क्लास में अपन ने दो बातें कर ली। पहले पिछली क्लास में अपन ने NaCl के बारे में पूरी डिटेल से बात कर ली कि सोडियम क्लोराइड किया, ये सोडियम क्लोराइड के बाद में इसके अंदर अपन ने बात कर ली आज की क्लास में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की बातें अपन क्या करेंगे, अगला कंपाउंड है वो अगली क्लास में करेंगे कि अगले कंपाउंड के बारे में किस प्रकार से होता है। तो आगे की बात अपन अगली क्लास में। ओके, गुड लक, धन्यवाद।